तो दोस्तों अभी काफ़ी दिनों से मैंने गन के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और ना ही किसी कैनन के ऊपर वीडियो बनाई है। और आप लोग के कमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ कोई जो है कि गन के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, प्लीज़ कोई कैनन बनाइए। तो दोस्तों अभी क्या है कि अचानक से मुझे याद आया, एक न्यू आइडिया आया, तो उस आइडिया से मैं अभी आप लोग को एक छोटा सा कैनन बना के बताने वाला हूँ। इसे आप मिनी गन भी बोल सकते हो, पॉकेट गन भी बोल सकते हो, पॉकेट कैनन भी बोल सकते हो, या फिर मिनी पॉकेट गन या फिर मिनी पॉकेट कैनन भी बोल सकते हो। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट सा है और छोटा सा है कि ये आप लोग को ज़रूर से अच्छा लगेगा और इसका आवाज़ भी जो है काफ़ी तगड़ा, अभी आप वीडियो में सुनोगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस मिनी गन को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते चलते मैं आप लोग को वीडियो में एक चीज बता दूं कि जब भी आपको ये कार्बाइड कैनन बनाना है तो पहले मैं बता दूं, अगर कार्बाइड गैस की मात्रा ये इसमें ज्यादा हो जाएगी तो भी ये नहीं चलेगी, और कार्बाइड गैस की मात्रा अगर कम भी रहेगी तो भी ये प्रेशर से नहीं चलेगी। यानी कि सबसे पहले तो एक बात जान लो, इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपके हाथ में फट जाएगी, क्योंकि जब भी गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन गैस है दोनों की प्रॉपर बराबर मात्रा रहती है तभी ये चलता है।
तो ऑटोमेटिक ही ये नहीं चलेगा, जब भी गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसे फटने का खतरा नहीं रहेगा, और गैस की मात्रा अगर कम रहेगी तो ये चलेगी लेकिन इसका प्रेशर कम रहेगा। तो बस इसमें आप लोग को ये चीज ध्यान देना है कि जब भी ये ना चले तो आपको इसकी कैप को खोल करके थोड़ा सा गैस इसका बाहर निकाल देना है, फिर आप वापस से इसे बंद कर देना तो ये चलेगी और डेफिनेटली पक्का चलेगी। हो सकता है आप लोग इसे शुरू शुरू में ट्राई करो तो ना चले, हो सकता है ज्यादा गैस बन जाए, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है कि ज्यादा गैस ना बन पाए बस। और अगर ज्यादा गैस बन जा रही है तो भी आप लोग डरने वाली बात नहीं, ये फटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ये चलेगी ही नहीं, फटना तो दूर की बात है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को हमारा ये वाला जो मिनी कैनन है वो जरूर से अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।